तरफ पूरे शहर भर में लोकसभा चुनाव का पारा सर चढ़कर बोल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के हर इलाके गली मोहल्लों में डोर टू डोर चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है और दूसरी ओर देखा जाए तो सूरत की तस्वीरें बदसूरत होती नजर आ रही हैं और इस बदसूरत सूरत की वजह से लोगों को काफी हद तक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सूरत के लिम्बायत मीठी खाड़ी क्रांति नगर गली नंबर 9 सैलानी चौक मेन रोड पर ड्रेनेज लाइन का पानी उबल रहा है और इसे चारों ओर फैले हुए गंदे पानी की वजह से वहां के निवासियों को काफी हद तक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि गली नंबर 2 घर नंबर 33 से लेकर 36 तक गटर का पाइप डैमेज होने की वजह से गटर का पानी पीने के पानी के नल में से बाहर आ रहा है और उस इलाके में पीने का पानी गटर के पानी के समान हो गया है। दोनों पानी को अगर साथ रख दिया जाए तो ये तय करना मुश्किल है कि गटर का पानी कौन सा और पीने का पानी कौन सा। उस इलाके में पीने के पानी और ड्रेनेज की समस्या को लेकर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इन परेशानियों के बारे में वहां के निवासियों ने सूरत महानगर पालिका में बार बार लेखिक तथा मौखिक रजूआतें की लेकिन किसी की भी तरफ से और मनपा अधिकारियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई कदम बढ़ाया नहीं गया। बस सभी पर लोकसभा चुनाव का भूत सवार है। आपको बता दें कि मतदान करने वाले मतदाता जब दुखी होंगे तो क्या इस बार चुनाव में 100% वोटिंग होगी, ये देखने वाली बात है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और उस इलाके के लोगों की परेशानियों के मद्देनजर सुन्नी यूथ फोर्स राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी संगठन के सदस्यों ने कई बार मनपा में अपील भी की लेकिन सूरत महानगर पालिका के सभी ड्रेनेज विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उस इलाके की इस समस्या का निवारण होगा या नहीं। मेरा नाम नाजमा जी सुजा शाह है, हम क्रांति नगर में रहते हैं। गली नंबर 2 है, घर नंबर 36 है, उसकी कुंडी बहुत टूट गई है, बहुत दिनों से हम लोग को परेशानी हो रही है। कितने टाइम हो से टूट गई? कम से कम भी 2 साल भर हो गए हैं। उसको बुलाओ सलिया मार के ना साफ करने वाले, सही से साफ नहीं करते, ऐसे भी बस सलिया मार देते और चले जाते और वो कुंडी फिर दूसरे दिन फिर बहने लग जाती। बच्चे लोग बीमार पड़े, पीने में नल में पानी में पूरा गंदा पानी आ रहा है, सब गंदगी बाहर से बह रही है। बच्चे लोग पूरी गली में यहाँ सब बीमार पड़े हुए हैं। कंप्लेंट क्यों नहीं करे थे तो क्या उसके वो है ना, उनको अर्जी करे थे, वो कुछ जान में लिए नहीं, कोई आया ही नहीं। आप क्या चाहते हो? हमको कुंडी का मतलब है ना तो करना है, उसको बराट कुंडी बोलते हैं, बहुत पहले कुंडी लेके 2019 का चुनाव आ रहा है, इसके बाद भी आप क्या चाहोगे? नहीं वो कुंडी का हमको यही चाहते हैं कि हमारे पास गटर लेन का कनेक्शन का सही से मतलब नवी कनेक्शन गिर जाए और वो गटर लेन की प्रॉब्लम आ रही है। चुनाव के दिन आप चुनाव करोगे कि नहीं करोगे? हमारा करेंगे लेकिन हमारा जो है प्रॉब्लम उसको सोल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे तो फिर इसको चुनाव नहीं करेंगे, बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि गटर में गंदा पानी ना तो नालों में भी आ रहा है, वही गंदा पानी बच्चे गिरे बीमार पड़ रहे और वही पानी से बच्चे फिसल रहे गिर रहे और बीमार पड़ गए ना, मलेरिया की शिकायत हो रही है। कौन सा जगह है, कौन सा एरिया है? ये क्रांति नगर है, 28 नंबर वार्ड। क्या हुआ है? यह ड्रेनेज लाइन की बहुत तकलीफ है, 1-1.5 महीने हो गए अर्जी दे दे के परेशान हो गए। किसको अर्जी दी? डॉक्टर आशीष, SMC कमिश्नर जो है। कौन सी जगह पे? ये जो लिम्बायत जो मैं ऑनलाइन अर्जी दी है। कितने टाइम हो से ये परेशानी आपको? ये तो कम से कम साल भर के ऊपर हो गया है, साल भर के ऊपर हो गया। अर्जी देते देते हम लोग परेशान हो गए, सुनवाई कुछ नहीं है। हर 15 दिन में हमको अर्जी देना पड़ती है, वो आते हैं सलिया मार के चल जाते हैं। वो दोबारा उनको कॉल करो तो बोलते हैं कि हमारा काम सिर्फ सलिया मारने का ही है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और आप क्या चाहते हो? भाई ये चीज़ का निकाल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे बीमारी फैल रही है, बात गंदगी दुनिया भर की हो रही है।